वेलकम है फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में जो कि हमारा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का पार्ट थ्री है, जिसमें कि हम लोगों ने शुरुआत की है इकोलॉजी और इकोसिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में। इसमें आज हम लोग बात करेंगे पॉल्यूटेंट्स के बारे में, पॉल्यूटेंट्स इन इकोसिस्टम। इसके बाद बात करेंगे बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में कि इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, और एक बात करेंगे हम लोग उसके बाद रहेगा हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इस तीन टॉपिक आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब बात हमारी जो शुरुआत हम लोग करेंगे अपने, उसमें हम लोग बात करेंगे पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट एंड इकोसिस्टम, पोल्यूटेंट एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में पोल्यूटेंट किस प्रकार से एक स्तर से दूसरे स्तर पर किस प्रकार से ट्रांसफर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक स्तर दूसरे स्तर का मतलब है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक, दूसरे से तीसरे ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का संबंध जो खाद्य पदार्थ से है, ऊर्जा से है, इसीलिए ट्रॉफिक शब्द का मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे, दूसरे पर तीसरे में किस प्रकार से पोल्यूटेंट माइग्रेट करते हैं, उनका ट्रांसफर किस प्रकार से होता है और इसको हम क्या नाम से जानते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमारे लिए हमारे जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, उसमें दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द है बायो अक्यूमुलेशन और दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं ट्रॉफिक लेवल के बारे में। ट्रॉफिक लेवल में ट्रॉफिक लेवल वन, ट्रॉफिक लेवल टू, ट्रॉफिक लेवल थ्री, ट्रॉफिक लेवल फोर, ट्रॉफिक लेवल फाइव। ट्रॉफिक लेवल वन हम जानते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उसके बाद हेटरोट्रॉफ्स है, सारे के सारे हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स से भोजन अपना ग्रहण करते हैं, ये आश्रित होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे। अब ये हेटरोट्रॉफ्स भी कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और क्वार्टनरी कंज्यूमर। इसमें प्रोड्यूसर हमारे प्लांट्स और ग्रास हो जाते हैं, प्राइमरी को हम लोग हर्बीवोर, सेकेंडरी को कार्निवोर, टर्शियरी भी कार्निवोर और क्वार्टनरी जो है हमारा टॉप कार्निवोर होता है। अब प्लांट चूंकि स्वयं फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन अपना बनाते हैं, तो मान लेते हैं कि होता क्या है कि ये प्लांट है, ये सॉइल है, सॉइल है, इस सॉइल में प्लांट की उत्पत्ति होती है ठीक है। प्लांट क्या करता है कि पोल्यूटेंट्स का जो केमिकल फर्टिलाइजर का हम लोग केमिकल का जो यूज करते हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं हम लोग, उसका वो उपयोग करते हैं खाद, ये एग्रीकल्चर में करें या कीड़े मकड़ों को मारने के लिए करें या किसी अन्य साधन से भी, अगर हम किसी अन्य समस्या को दूर करने के लिए अगर केमिकल्स का यूज करते हैं तो एट लास्ट एटमोस्फियर में सॉइल में ही आकर को गिरते हैं। तो इसमें से एक महत्वपूर्ण जो केमिकल हमारा है वो है डीडीटी ठीक है। डीडीटी अन्य भी है, जैसे कि एक हमारा अन्य महत्वपूर्ण जो केमिकल है वो क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, वो भी है, नॉन डिग्रेडेबल है। लेकिन ये डिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल होता क्या है, डिग्रेडेबल वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रक्रिया के द्वारा उनका मेटाबॉलिक प्रक्रिया के द्वारा वो पूरी तरह से उनका क्षय हो जाता है, वो बायोमास के साथ पूरी तरीके से वो एडजस्ट हो जाते हैं, उनका बायोमास में वो पूरी तरह से बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं वो होते हैं जो कि मेटाबॉलिक प्रक्रिया के द्वारा वो पूरी तरह से वो डिग्रेड नहीं करते हैं, वो मटेरियल के रूप में उस बॉडी में विद्यमान होते हैं, वो बायोमोलिक्यूल का पार्ट वो उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं ठीक है। तो ये मटेरियल के रूप में ऑर्गेनिज्म में विद्यमान, ऑर्गेनिज्म के शरीर में विद्यमान रहते हैं। तो ये जो पोल्यूटेंट शरीर में विद्यमान से, एग्जाम्पल के तौर पर डीडीटी के रहते हैं, तो डीडीटी का छिड़काव किया, डीडीटी का छिड़काव करने के बाद ये प्लांट जो है ये अपने साथ, चूंकि हम जानते हैं कि जाइलम और फ्लोयम प्लांट्स में होते हैं, और जाइलम जल को धरातल से जल को ऊपर के लेके जाता है, फ्लोयम खाद्य पदार्थ को ऊपर से नीचे पूरे पूरे प्लांट में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है खाद्य पदार्थ को। तो जाइलम यानी रूट के द्वारा जो है, रूट से जाइलम, जाइलम के द्वारा वो पूरे प्लांट्स में जल के साथ डीडीटी जो है पूरे प्लांट में वो फैल जाता है। अब डीडीटी या तो प्लांट हो सकता है या ग्रास हो सकता है ठीक है। अब इसका जो है, जो ऑटोट्रॉफ ये हो गया, इसका उपयोग जो है वो करते हैं, मान लेते हैं कि ये ग्रास है चाहे जो भी है प्लांट जो भी, इसको कर लेते हैं कैटरपिलर, क्या कर लेते हैं कैटरपिलर, कैटरपिलर। अब अगर
एक ग्राम, चूंकि कैटरपिलर जो है ग्रास का यूज करता है और कई ग्रास यूज करता है, और मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं कि एक ग्राम उसने कई एक दो ग्रास का सेवन किया, उसने आहार बनाया, तो ये जो है कैटरपिलर इसमें आ जाएगा, ये जो डीडीटी हो किसमें आ जाएगा, कैटरपिलर में आ जाएगा। ठीक है, अब इस कैटरपिलर का कौन भोजन बनाएगा, लिजार्ड। स्वाभाविक है कि कैटरपिलर, मान लेते हैं एक और कैटरपिलर है, वैसे पूरे जीवन में कई कैटरपिलर यूज करेगा, तो दो दो और चार हो जाएगा, चार चार ग्राम डीडीटी हो जाएगा। अब इस लिजार्ड का उपयोग कौन करेगा, स्नेक करेगा। ठीक है, आप ये लिजार्ड भी कई स्नेक का उपयोग कर, मान लेते हैं दो कहीं सपोज किए तो दो दो आठ ग्राम डीडीटी हो गया। अब इस स्नेक को कौन करेगा, हॉक करेगा, क्योंकि टॉप टॉप कंज्यूमर क्वार्टनरी कंज्यूमर बात करते हैं, हॉक करता है, ये दो का मान लेते दो स्नेक का कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 ग्राम डीडीटी। अब आप देखिए कि जो डीडीटी यहाँ पे जो नॉन डिग्रेडेबल जो केमिकल था वो बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गया, हॉक में आ गया, और हॉक में आते आते 16 ग्राम। सिर्फ एक मैं एग्जांपल दे रहा था, पूरे जीवन काल में पता नहीं कैटरपिलर कितने ग्रास का या लिजार्ड कितने कैटरपिलर का, स्नेक कितने लिजार्ड का, और हॉक कितने स्नेक का उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। तो होता क्या है कि धीरे धीरे देख रहे हैं कि केमिकल ऊपर की तरफ है ट्रांसफर हो रहा है, तो प्लांट में तब ये सब पहला है बायो अकुमुलेशन। बायो अकुमुलेशन, अकुमुलेशन का मतलब होता है संचय। तो जो सॉइल से नॉन डिग्रेडेबल, सॉइल से नॉन डिग्रेडेबल जो प्रोड्यूसर में जाकर के संचित हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं बायो अकुमुलेशन। क्या बोल देते हैं, बायो अकुमुलेशन। फिर सुन लीजिए, सॉइल से नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, सॉइल से नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जब प्रोड्यूसर में आकर के संचित हो जाते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं बायो अकुमुलेशन। मतलब कि फूड चेन में, जहां पर जिस फूड चेन में जहां से नॉन डिग्रेडेबल केमिकल का प्रवेश होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं अकुमुलेशन, बायो अकुमुलेशन। अब ये बायो अकुमुलेशन जो है, आप देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसके बाद सारा का सारा क्या होता है, ये बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है, बायो मैग्निफिकेशन। क्योंकि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, बृहद, मतलब उसको दीर्घीकरण, बड़ा बड़ा हो जाना, निरंतर उसका दीर्घीकरण हो रहा है, तो बायो अकुमुलेशन उसको कहते हैं जहां पर कि फूड चेन में जब नॉन डिग्रेडेबल रसायन का प्रवेश होता है, तो ट्रॉफिक लेवल वन जो होता है हमारा, ट्रॉफिक लेवल इन प्रोड्यूसर, वहां पर क्या होता है, अकुमुलेशन होता है, और उसके बाद सभी जगह पर क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन होता है, लगातार उनका दीर्घीकरण होता है, और सबसे ज्यादा अकुमुलेशन जो है टॉप लेवल पर होता है। तो जो भी टॉप लेवल पर होते हैं, टॉप कंज्यूमर होते हैं, उनमें नॉन डिग्रेडेबल केमिकल का ज्यादा संचय देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था बायो अकुमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में, कि एक जीव दूसरे जीव के साथ किस संबंध के साथ अपना इकोसिस्टम में अपने क्रिया को जारी रखते हैं। तो आइए देखते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। बायोटिक इंटरेक्शन, बायोटिक इंटरेक्शन में दो जीवों का आपस में संबंध इकोसिस्टम में किस प्रकार से होता है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर प्रकार है, अन्य प्रकार भी है, लेकिन हमने महत्वपूर्ण प्रकार पे यहाँ पे चर्चा की है। तो पहला म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, ये है, अंग्रेजी ही रखे ज्यादा अच्छा है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, अच्छा यहाँ पे संकेत दिए हुए हैं, प्लस माइनस और जीरो, तीन चीज दिख रहा होगा। तो प्लस का मतलब होता है बेनिफिटेड, प्लस का सिंबल का है बेनिफिटेड, माइनस का सिंबल है हार्म्ड, और जीरो का है जो दिखाया गया नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ना उसे लाभ और ना ही हानि होती है, जीरो का मतलब है, जीरो सिंबल का। तो म्यूचुअलिज्म में देखिए स्पेसीज वन जो है, एक पहला जीव जो है उसको भी लाभ हो रहा है, दूसरा जीव है उसको भी लाभ हो रहा है, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या है, स्पेसीज वन को तो लाभ हो रहा है, लेकिन दूसरे को ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, उस तरह के रिलेशन इंटरेक्शन को हम लोग बोल देते हैं कॉमेंसलिज्म।
तीसरा है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक जीव को तो एक स्पेसीज को एक जीव को तो हानि होती है लेकिन दूसरे पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को लाभ नहीं होता, एक को हानि होती है और एक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम लोग बोल देते हैं एमेंसलिज्म। अगला है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है कि कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों स्पेसीज को ही हानि होती है, ठीक है। इसके बाद प्रेडेशन है। प्रेडेशन में क्या होता है कि एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। और पैरासाइटिज में भी क्या होता है, एक को लाभ है दूसरे को हानि है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है वो बात करेंगे अभी। तो आइए बात करते हैं पहला म्यूचुअलिज्म के बारे में। म्यूचुअलिज्म में दोनों का लाभ होता है, दोनों को दोनों स्पेसीज को। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जब पोलन ग्रेन जब परागण किया था पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है तो इसमें इंसेक्ट्स को भी लाभ होता है, इंसेक्ट को भी लाभ होता है, क्योंकि इंसेक्ट जो है जब फ्लावर पर जब जाते हैं पुष्प पर जब जाते हैं तो वहां से वो अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, और जब वो अपने साथ वहां से उड़ करके जब दूसरे पौधे पर जाते हैं तो वहां के पोलन ग्रेन को दूसरे को क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, इससे पोलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो इससे इंसेक्ट को भी लाभ होता है और दूसरे इससे क्या होता है, प्लांट को भी लाभ होता है। प्लांट में क्या होता है, पोलिनेशन होता और इंसेक्ट को क्या मिलता है, फूड मिलता है। तो दोनों को इसे लाभ होता है, किसी को इसमें हानि नहीं होती है। कमेंसलिज्म की बात करते हैं। कमेंसलिज्म में क्या है कि एक को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होती है। जैसे कि डंग बीटल होता है जो कि डंग में होता है, डंग जो मल होता है गाय का, उसमें आप देखा होगा आप लोगों ने एक जीव होता है जो उसके अंदर रहता है तो उससे अपने भोजन को प्राप्त करता है तो उसको तो लाभ होता है लेकिन उससे काऊ को कोई लाभ नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जब काऊ होती है, जब काऊ जब ग्रेजिंग के लिए जाती है तो जब आगे की तरफ बढ़ती है तो उसके साथ कीड़े मकोड़े उठते रहते हैं, तो जो उसके ऊपर पक्षी होता है, ठीक है, उसको उससे लाभ तो होता है लेकिन उसके काऊ का लाभ उसे नहीं होता। ये भी एक एग्जांपल है। अब है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को हानि होती है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब बगीचा में या बड़े बड़े बाग में या जंगल में कि बड़े वृक्ष के नीचे जो है छोटे वृक्ष होते हैं तो बड़े वृक्ष का तब पर ग्रोथ होता जाता है लेकिन इस ग्रोथ में उसके नीचे छोटे वृक्ष होते हैं उसकी उसकी कोई भूमिका उसमें नहीं होती है। जो बड़ा वृक्ष होता है, बड़ा वृक्ष अगर इसके नीचे छोटे छोटे वृक्ष हैं तो इसके विकास में छोटे वृक्ष की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है, न हानि में इसकी कोई भूमिका है, लेकिन बड़े वृक्ष के प्रभाव में आकर के छोटे वृक्ष जो है अपना सही ग्रोथ नहीं कर पाते हैं तो इनको क्या होती है, हानि होती है और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम ये कौन सा हो गया हमारा अमेंसलिज्म, ठीक है। इसी प्रकार से कंपटीशन होता है। कंपटीशन में क्या होता है, किसी स्थान विशेष पर जब संसाधन की कमी होती है तो वहां पे लोगों को पर्याप्त किसी को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है जिसके कारण दोनों को इसमें हानि होती है। तो इस प्रकार के कंपटीशन ये हो जाता है। इस प्रकार का लक्षण होता है कि प्रतिस्पर्धा दो स्पीसीज के बीच में बन जाती है, चाहे पानी के लिए हो या फूड के लिए हो। और प्रेडेशन, प्रेडेशन में एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। जैसे कि लायन और डियर के बारे में, लायन क्या होता है, डियर को अपना भोजन बनाता है तो लायन को तो लाभ है लेकिन डियर तो अपना जीवन उसका समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कैट और रैट के बीच है, कैट को तो लाभ होता है लेकिन रैट का जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा होता है प्रेडेशन। और पैरासाइटिज्म में क्या होता है कि इसमें भी देखिए टिक है या बेड बग है ये किस पे होते हैं, होस्ट पर यानी एनिमल के ऊपर रहते हैं, एनिमल के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, टिक या बेड जो बेड बग होते हैं वो क्या करते हैं कि एनिमल से खून को खून से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसको तो हानि हो रहा है क्योंकि उसने खून अपना लॉस कर रहा है लेकिन लाभ किसको हो रहा है, टिक या बेड बग जो उसके शरीर पर होते हैं। तो ये हुआ पैरासाइटिज में। इसी प्रकार से अब ये आपका प्रश्न उठ सकता है कि प्रेडेशन और पैरासाइटिज में क्या अंतर है। तो पैरासाइटिज में क्या होता है कि इसमें जीव जो होते हैं दोनों साथ साथ होते हैं, साथ साथ रहते हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है अलग अलग रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, अलग अलग। लायन और टीगर एक साथ, डियर एक साथ नहीं रहते, जब रहेंगे तो लायन उसका शिकार बनाएगा है। लेकिन इसमें टिक और हॉस्ट एनिमल के बीच हमेशा साथ साथ संबंध होता है, एक ही साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन था बायोटिक इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। इसको ध्यान रखेंगे, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन और पैरासाइटिज्म।
एक महत्वपूर्ण टॉपिक बच गया है कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी और इकोसिस्टम से, वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन को। इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकीय अनुक्रमण, अनुक्रमण ठीक है, एक के बाद जो होता है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बारहवीं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज लिविंग इन ए गिवन एरिया गेट रिप्लेस्ड ओवर टाइम बाय सीरीज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण यह है कि जहां पारिस्थितिकीय अनुक्रमण से तात्पर्य है कि दिए गए समयावधि में कोई एक कम्युनिटी प्लांट या एनिमल का या दोनों दिए गए समयावधि में जब वो किसी दूसरे कम्युनिटीज के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती, मतलब कि एक के बदले में दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर वहां पे आ जाता है तो उसको हम लोग पारिस्थितिकीय अनुक्रमण कहते हैं। और पारिस्थितिकीय अनुक्रमण जो है एक बहुत ही सिंपल सी बात है, देखने में लगता है क्या है, ये बहुत सिंपल बात है। अगर कहीं पर कोई एरिया है जहां पर कि किसी प्रकार कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहां पर समय के साथ अगर शुरुआत में छोटे छोटे से पेड़ पौधे उगते हैं, लाइकन एल्गी ये सब सारे इनकी उत्पत्ति होती है, वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और ग्रो करते 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 वो एक समय के साथ एक उस जगह पर किसी विशेष जगह पर एक बहुत बड़े वृक्ष का समय के साथ उदय हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में मान लेते हैं कि कोई एक नूडेशन है, मतलब एक खाली जगह है, ठीक है, खाली जगह पर है जहां पर की शुरुआत में अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सही है, ऑर्गेनिज्म में उदय के लिए अनुकूल है, तो पहले वहां पर एनुअल प्लांट्स उगते हैं जिनको कि एनुअल प्लांट्स की जिनका कि साल भर से ज्यादा की अवधि नहीं, उनका जीवन अवधि नहीं होता है, तो एनुअल प्लांट्स आते हैं। उसके बाद पेरिनियल प्लांट्स या ग्रास आएंगे, उसके बाद श्रब्स का उदय होता है, उसके बाद सॉफ्ट वुड ट्री होते हैं, उसके बाद हार्ड वुड ट्री का उदय होता है। लेकिन शुरुआत उनकी कहां से होती है, एनुअल प्लांट्स से। तो एनुअल प्लांट्स में जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कॉर्न, व्हीट, राइस, ईटीसी, क्या है ये एनुअल प्लांट्स है। अब शुरुआत भी इन्हीं तरह के पौधों का उदय होगा वहां पर। इसके बाद जो है टोमेटो पेरिनियल में क्या आते हैं, टोमेटो सुगर केन। टोमेटो को मैंने इसे डाला है कि बहुत जगह पर टोमेटो जो है पेरिनियल है और कहीं कहीं पे एनुअल है, तो एक ट्रांजिशन के तौर पर इसको टोमेटो को ले सकते हैं। तो टोमेटो, सुगर केन, सुगर केन भी पेरिनियल प्लांट्स है, ठीक है, ग्रासेस इत्यादि, ये हमारा जो है पेरिनियल प्लांट्स में आता है। इसके बाद श्रब्स में हमारा क्या आ गया, ठीक है, श्रब्स हमारा जाएगा लेमन, रोज, अजेलिया, ये सब श्रब्स हैं। तो पहले बनेंगे एनुअल प्लांट्स, एनुअल प्लांट्स का आगे डेवलपमेंट होगा पेरिनियल प्लांट्स में, ठीक है, उस प्लांट का उदय नहीं होगा, मतलब कि कहने मतलब कि एनुअल प्लांट्स को विस्थापित करते हैं, कौन सा, पेरिनियल प्लांट के द्वारा एनुअल प्लांट विस्थापित हो जाएंगे, श्रब्स के द्वारा पेरिनियल प्लांट विस्थापित हो जाएंगे। और इसके बाद सॉफ्ट वुड ट्री के द्वारा कौन सा, श्रब्स विस्थापित हो जाएंगे। सॉफ्ट वुड में स्प्रूस, पाइन, सेडार, ईटीसी ये आते हैं। इसके बाद हार्ड वुड ट्री हार्ड वुड के द्वारा सॉफ्ट वुड ट्री क्या रिप्लेस कर दिया जाएंगे। और इसमें टीक हो गया, एबोनी हो गया, ये सब आज भी बहुत सारे वृक्ष हैं, महोगनी वगैरह, वो हार्ड रॉक्स में, हार्ड ट्री में आते हैं। तो जो पहली बार जिस प्लांट्स का उदय होता है जिसे एनुअल प्लांट बोलते हैं, ये पायोनियर कम्युनिटी होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, पायोनियर कम्युनिटी। और जब किसी इकोसिस्टम में जो सबसे टॉप पर जो हार्ड वुड ट्री होते हैं, जो सर्वाधिक इकोलॉजिकल सक्सेशन के टॉप पर होते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इकोलॉजिकल सक्सेशन के शुरुआत वाले जो होते हैं उनको बोल देते हैं पायोनियर कम्युनिटी, और जो टॉप पे होते हैं उनको बोल देते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। और ये धीरे धीरे इनका सक्सेशन हो रहा है, एनुअल से पेरिनियल, पेरिनियल से श्रब, श्रब से सॉफ्ट वुड, और सॉफ्ट वुड से हार्ड वुड, ठीक है। और पायोनियर कम्युनिटी और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में जो सक्सेशन हो रहा है, मतलब पेरिनियल, श्रब्स और सॉफ्ट वुड, इनको हम लोग बोल देते हैं सेरेल कम्युनिटी या सेरे कम्युनिटी, सीरीज नहीं, सेरेल कम्युनिटी या सेरे कहा जाता है। ये बीच के क्लाइमेक्स और पायोनियर के बीच में होते हैं। अब ये है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होते कितने प्रकार, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन।
सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का होता है कि जब किसी स्थल खंड पे शुरुआत में जो पेड़ पौधे की उत्पत्ति होती है, जैसे कहीं वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ, कहीं प्रकार के जलोढ़ मृदा का निर्माण हो गया, और वहां पर जो शुरुआत में जो इकोसिस्टम का उदय होता है वो हमारा होता है पायनियर सक्सेशन, सॉरी वो होता है हमारा प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन किन्हीं वजह से, वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, सुखाड़ के द्वारा, जंगल में आग के द्वारा, किसी वजह से जब पायनियर सक्सेशन का पूरी तरह से समाप्ति हो जाता है, वहां के वृक्ष और जीव जंतु पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, और पुनः वहां पर अगर उदय होता है नए तरीके से, फिर वहां पर इकोसिस्टम का निर्माण होता है, उदय होता है, तो जो सेकेंड इकोसिस्टम का निर्माण होता है इसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन के समाप्ति के बाद सेकेंडरी सक्सेशन उसी स्थान पर होता है। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि मृदा वो उर्वरता नहीं होती, क्योंकि वो बनने के क्रम में होता है, तो उर्वरता धीरे धीरे वृद्धि होती है, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कम्यूनिफिकेशन होता है, सारी क्रियाएं होती है, धीरे धीरे मृदा का क्वालिटी इंप्रूव होता है प्राइमरी सक्सेशन, और धीरे धीरे ये सारे डेवलपमेंट होता है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि बना बनाया उसका आधार मिलता है, वो अलग बात है कि आग के द्वारा पूरा पर या सुखाड़ के द्वारा या वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा पूरा समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मृदा की गुणवत्ता पहले की तुलना, प्राइमरी की तुलना में उच्च होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी फेवरेबल होते हैं, और सेकेंडरी सक्सेशन का डेवलपमेंट प्राइमरी की तुलना में तेजी से होता है। तो कुल मिलाकर के यही है इकोलॉजिकल सक्सेशन, पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। ठीक है, एक के बाद कम्युनिटी का, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के द्वारा विस्थापन होता है और नए कम्युनिटी का आगमन होता है, इसी का अध्ययन जो है इसमें हम लोग करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। तीसरा हमारे महत्वपूर्ण है कि पायनियर कम्युनिटी क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, सेलर कम्युनिटी या सेरे क्या है, और यहाँ पर देखिए एनुअल, पेरेनियल, श्रब, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। आज की इस सेशन के बाद जो है हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी और इकोसिस्टम से जो भी यूपीएससी में प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।